हेलो डियर फ्रेंड, मैं मुकेश मिस्त्री और मैं आपको आज का जो सेशन है इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कस करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे इसी तरह आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या क्या उसका कैरेक्टर है। तो हाईली मोबाइल इन सोइल, सोइल में बहुत ज़्यादा हाईली मोबाइल होता है, सूटेबल होता है फॉर टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग मतलब स्टैंडिंग क्रॉप में आपने यूरिया का छिड़काव कर दिया या स्प्रे कर दिया, जो खड़े फसलें होंगे तो उसको हम बोलेंगे टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अपन टॉप ड्रेसिंग के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। उसके बाद नाइट्रेट फर्टिलाइज़र आर बेसिक रेसिड्यूल इन नेचर। और इसका नेचर कैसा होता है, तो आपका बेसिक रेसिड्यूल याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि नाइट्रोजन का जो नेचर है कैसे होता है। तो बेसिक रेसिड्यूल लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेज हाई। लीचिंग की जो प्रोसेस होता है और डीनाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा लॉसेज होता है आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, लीचिंग क्या होता है, अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका फील्ड हो गया, इसमें आप नाइट्रोजन डाल रहे हो, तो नाइट्रोजन नीचे को बहुत जल्दी से क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लीचिंग बोलते हैं। और लीचिंग की जो क्रिया होती है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें, जैसे आपका स्टैंडिंग क्रॉप है खड़े वाले, उसमें से नाइट्रोजन, जैसे धान के खेत में क्या होता है, नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अमोनियम फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ऐसे जो लॉसेस होंगे उसको हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक, तो दोनों ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बात करें हम कि कुछ एग्जाम्पल नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का। ठीक है, तो जैसे सोडियम नाइट्रेट, पूरा जित नाइट्रेट मतलब हर कोई भी आपका फर्टिलाइज़र होंगे उसके पीछे नाइट्रेट लगाई होंगे। ठीक है, कॉमन चीज़ है, याद रखेंगे। ठीक है, जब भी किसी चीज़ के पीछे आपको नाइट्रेट दिखाई देंगे तो आप समझ लेना वो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है। ठीक है, तो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र में जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंट कितना होता है, कैल्शियम नाइट्रेट में आपका नाइट्रोजन की परसेंट कितना होता है, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेश की मात्रा कितना होता है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है, तो यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा आपका 16% होता है और गुड फॉर एसिडिक सोइल, एसिडिक सोइल के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो 15.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम नाइट्रेट जिसमें पोटाश की मात्रा 44%, नाइट्रोजन की मात्रा 13%। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देन नेक्स्ट अपन बात करें अमोनिकल फर्टिलाइजर। अभी तक हमने नाइट्रेट फर्टिलाइज़र देखे, अभी कुछ अमोनिकल फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले अमोनिकल फर्टिलाइज़र में उसका कुछ कैरेक्टर है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लीचिंग, इसमें भी क्या होता है, लीचिंग होता है। जब भी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आ जाएगा तो आपका लीचिंग होगा ही, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डीनाइट्रिफिकेशन भी होगा, दोनों प्रोसेस नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद बट रेडली सोलबल इन सोयल, और सोयल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यह घुल जाता है, सबसे ज़्यादा जल्दी से घुलने के कारण ही इसका लीचिंग लॉसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद सूटेबल फॉर वाटर लॉग्ड सोयल, जहाँ पे जलमग्न हो जाएंगे खेते में, वहाँ के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है आपका अमोनिकल फर्टिलाइज़र को। एसिडिक रेसिड्यूल नेचर, इसका भी नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और जो अपने नाइट्रेट फर्टिलाइज़र पड़े थे वो आपका बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, दोनों ही कंफ्यूज मत होना, एक में बेसिक रेसिड्यूल और एक में एसिडिक आपका रेसिड्यूल। ठीक है, देन वॉलेटाइजेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेज मोर, इसमें वॉलेटाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के लॉसेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देन आगे एग्जाम्पल ऑफ अमोनिकल फर्टिलाइज़र। अब इस जो अमोनिकल फर्टिलाइज़र उसके कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से और उसमें क्या क्या क्वांटिटी पाया जाता है उसको ज़्यादा एग्जाम में रिफर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो आपका NH4SO4। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब एग्जाम में ज़्यादातर आपका सल्फेट कई बार पूछा गया था कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितना होता है, तो आपका 24.5% होता है और नाइट्रोजन की मात्रा 20.6% होता है। ठीक है, मोस्ट सूटेबल फॉर पेडी, टी, ग्राउंडनट एंड शुगर कान। और ये जो आपका धान हो गया, चाय हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा सूटेबल माना जाता है अमोनियम सल्फेट को। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे बात करें आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मूला क्या है, तो NH4
Cl होता है, ठीक है। आप जो NH4 Cl माइनस है ना, इससे भी आप नाइट्रोजन का कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल देखेंगे। किसी भी जो नाइट्रोजन या कोई भी फर्टिलाइजर है, आपका अमोनियम नाइट्रेट दिया है, अमोनियम क्लोराइड दिया है, अमोनियम सल्फेट कुछ भी दिया, आपको मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन का ही केवल लिखा है कि नाइट्रोजन की मात्रा अमोनियम क्लोराइड में 25.5% है, ठीक है। आप एग्जाम में आ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड में क्लोरीन की मात्रा कितना होते हैं, ठीक है। ये जो बनाने का विधि है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स देखेंगे कि किस किस से निकालते हैं। जैसे आपने ऊपर में क्या पढ़े, अमोनियम सल्फेट, बता सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर हाइड्रोजन की मात्रा कितने, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल से देखेंगे, इसमें जो मेन मेन क्वांटिटी है उसी को देखेंगे, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड में आपका जो नाइट्रोजन की मात्रा होता है वो आपका 25.5% होता है, ठीक है। देन आगे ये आपका भी एसिडिक नेचर का होता है तथा बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पैडी जो धान होता है बहुत ही ज़्यादा उसमें यूज़ किया जाता है अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, ठीक है। अभी ऊपर में हमने अमोनियम भी पढ़े हैं और नाइट्रेट भी पढ़े हैं, ठीक है। अब दोनों के कम्बिनेशन से एक फर्टिलाइज़र बनता है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक, जिसमें आपका NH4+ और NO3-, ठीक है। तो उसका कुछ कैरेक्टर है, जैसे इसमें दिया है कि इट्स कंटेन 33% नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें आपका 33% नाइट्रोजन होता है, हाफ ऑफ अमोनियम फॉर्म एंड हाफ ऑफ नाइट्रेट, जिसमें आपका आधा क्या होता है अमोनियम होता है, आधा आपका नाइट्रेट होते हैं, ठीक। और उसके बाद हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। सबका नेचर याद रखेंगे, कौन सा जो के फर्टिलाइज़र है उसका नेचर कैसा, किसी का बेसिक है, किसी का एसिडिक है, किसी का हाइग्रोस्कोपिक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, जो विस्फोटक के लिए जो सामान बनाते हैं ना वो आपका अमोनियम नाइट्रेट से ही बनाया जाता है, इसलिए इसको विस्फोटक या एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र कहा जाता है। देन नेक्स्ट आपका जो फर्टिलाइज़र है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या होते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, किशन खाद भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो किशन खाद है किसे कहा जाता है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट आपका 26% होता है, इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। सबका जो नेचर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आगे है एमाइड फर्टिलाइज़र, टू टाइप्स एमाइड फर्टिलाइज़र आपका दो प्रकार होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक, ठीक है, उसमें आपका यूरिया आ जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, NH2CO NHO, ठीक है। यदि देखें जैसे आपका दिया है यहाँ पे, आपका जो नाइट्रोजन है 46% है कंटेंट यूरिया में, नाइट्रोजन आपका 46% है। अब बता दिया है कि यूरिया में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट होता है, ठीक है। यदि किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से निकालेंगे कि हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकलते हैं उसका बस तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, कि जैसे यूरिया दे दिया तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, कार्बन की मात्रा कितना है, ऑक्सीजन की मात्रा कितना, तो ये हम सारे चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल्स देखेंगे। तो अभी आप याद रखेंगे कि आपका जो कंटेंट है आपका यूरिया का वो आपका कितना परसेंट है, तो आपका 46% है। देन आगे सबसे पहले तो आपका इट्स मोस्ट कॉमनली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, हमारे जो भारत है इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका यूरिया, ठीक है, इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है चीपेस्ट, सस्ता होते हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सोर्स भी है और बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए भारत में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होते हैं, देयरफॉर इसीलिए प्रोड्यूस इन ग्रेनुअल या पैलेट फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, ग्रेनुअल दाने दाने या पैलेट फॉर्म में होता है। उसके बाद एसिडिक इन रेसिड्यूल का होते हैं, आपका कंटिन्यूस यूज ऑफ यूरिया फॉर सेवरल ईयर रिजल्ट रिड्यूस सोयल पीएच, और यदि आप लगातार क्या कर रहे हैं एक ही भूमि में हर साल क्या कर रहे हैं यूरिया का यूज़ कर रहे हैं, यूरिया फर्टिलाइज़र का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका पीएच होता है रिड्यूस हो जाता है, पीएच कम हो जाता है, ठीक है। देन आगे है आपका नीम कॉटेड यूरिया, ठीक है। अब नीम कॉटेड यूरिया क्या होते हैं, बींग स्लो रिलीज प्रॉपर्टी इट्स इंक्रीज
द नाइट्रोजन यूज इफिशेंसी, और नीम कॉटन यूरिया का यदि आप यूज़ करेंगे, ये क्या होता है स्लो प्रोफिट, धीरे धीरे क्या होता है सोयल में जाता है, एक साथ आप देंगे तुरंत गल नहीं जाता, ठीक है। धीरे धीरे इसका प्रॉपर्टी क्या, धीरे धीरे गलना मतलब जो कम होते हैं, ठीक है। जैसे आपने यूरिया देते हो तो तुरंत क्या होता है थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलने से तुरंत वो पिघल जाता है, बट ये आपका नीम कॉटन यूरिया तुरंत ही तो उसको थोड़ा धीरे धीरे करता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जो आपका नीम कॉटन यूरिया है ये आपका स्लो रिलीज प्रॉपर्टी होता है एंड इट्स इंक्रीज करता है नाइट्रोजन यूज इफिशेंसी को भी, क्या होता है बढ़ाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे है दूसरा आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है। हमने अभी तक ऑर्गेनिक पढ़ लिया और सेकेंड है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में है आपका कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड में आपका नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है तो 21% है, ठीक है। उसको नाइदर इम्पोर्ट और नॉर मैन्युफैक्चर इन इंडिया, और ये जो आपका है इम्पोर्ट मतलब बाहर से जो आपका कैल्शियम साइनामाइड है हमारे इंडिया में नहीं बनता है, मैन्युफैक्चर नहीं होता है, इसको क्या करते हैं हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, मंगाते हैं और उन्हीं के द्वारा फार्मा में इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका ऑर्गेनिक हो गया, एक आपका इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का जो सेशन था यही तक था। सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बताइए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।